हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रॉफिट एंड लॉस, राकेश यादव, क्लास नोट्स। राम ने, यहां राम है और यहां भुवनेश है, फर्क नहीं पड़ता। भुवनेश में 750 आर्टिकल्स एट अ कॉस्ट ऑफ 60 पैसा पर आर्टिकल। भुवनेश जो है 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है, 750 आर्टिकल्स बना रहा है। ही फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल्स आर सोल्ड ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन हिज आउटले। उसने इस तरीके से विक्रय मूल्य को निर्धारित किया, सेलिंग प्राइस को फिक्स किया कि अगर वह अपने 600 आर्टिकल्स ही बेचने में कामयाब रहता है, रिमेनिंग अनसोल्ड रहते हैं, तो ओवरऑल उसको 40% प्रॉफिट होगा। ये क्लियर है? अब वो कह रहा है कि एक्चुअली तो मैंने 120 आर्टिकल्स नहीं बेचे, वो मेरे ऐसे कैसे रह गए, वो 120 आर्टिकल्स अनसोल्ड है और रिमेनिंग 630 आर्टिकल्स को मैंने सोल्ड आउट कर दिया उसी फिक्स्ड प्राइस पे जिस प्राइस पे ये जा रहा था। अब मुझे बताना है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना हुआ। अब समझिएगा मेरी बात, मैं ऐसा कहता हूं 600 आर्टिकल्स जब आपने बेचे तो आप ये सोचो कि आपको मिला कितना रुपया। 40% प्रॉफिट हुआ तो 140% मिला या नहीं मिला आपको रुपया? सही कह रहा हूं भाई, 600 आर्टिकल जब आपने बेचे तो आपको कितना मनी अर्न हुआ, 140% मनी अर्न हुआ। अब आप अगर 30 आर्टिकल सोल्ड आउट करते हो, 30 आर्टिकल्स और बेचने हैं ना आपको, 630 आर्टिकल पूरे करते, 30 आर्टिकल्स का और निकालना है, तो 600 से 30 आर्टिकल्स आऊंगा तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/20, तो 1/20 कितना हो जाएगा, 7%। तो अब मुझे 600 और 30 दोनों को जोड़ना है, 630 आर्टिकल्स हो जाएंगे, तो 140 और ये 7, तो कितना हो जाएगा टोटल, 147%। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस 147% है तो आप खुद बताएं कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा आपका 47%। ये लो, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 47% का। ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹5400 एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। At what profit percent did he sell the remaining to get 13% overall? वो कहना चाहता है कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं खरीदी है ₹5400 में एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5%। उसमें से 2/3 वस्तुएं तो 5% के लाभ पर बेच दी। यहां कितनी वस्तुएं खरीदी है, एक्चुअली इसकी डिमांड नहीं है, ध्यान रखिएगा। एट वॉट प्रॉफिट परसेंट, अब रिमेनिंग जो बचा है, देखो 2/3 तो सेल आउट कर दिया, 1/3 रिमेनिंग है, तो जो रिमेनिंग बचा है उसको कितने परसेंट पे सेल करे कि ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हो। अब देखिएगा, 2/3 ऑफ देम, जब कह दिया है कि 2/3 5% पर बेचा है, तो एक काम करो ना, ऐसा करो कि टोटल आर्टिकल ही 3 मान लो, लेट टोटल आर्टिकल इक्वल टू 3। मतलब 2/3 आपने बेचा, मतलब 2 आर्टिकल आपने किस पर बेचे, 5% पर। कितना बच गया मेरे पास, एक आर्टिकल बच गया, उसको कितने परसेंट पर बेचूं, मैंने एक्स ले लिया है, बाकी एक्स नहीं लोगे तो भी आंसर निकल जाएगा, एक्स का यहां कोई रोल नहीं है, करना वो कि वो काम है, यू भी मानो चाहे मत मानो, ठीक है। अब रिमेनिंग टू गेट गेन ओवरऑल 13% ओवरऑल, कहने का मतलब रिमेनिंग वाले को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचूं कि मुझे ओवरऑल 13% प्रॉफिट चाहिए। अब ये ओवरऑल 13% प्रॉफिट है, एक्चुअली ओवरऑल का मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए। एवरेज का मतलब हो गया, देखो 2 5s, ये 2 × 5, ये 1 × x / 3, एवरेज आ गया इक्वल टू 13, ये 13 के बराबर होना चाहिए, इतना ही करना है। अब यहां से 2 × 5 = 10 हो गया, ये 39, देखो 10 + x = 39, X इज इक्वल्स टू 29, मतलब आप ये 29% पे सेल आउट होगा, कौन सा, ये वाला आइटम, ये वाला आइटम कितने पर सेल आउट हो रहा है, 29% पे आप रिमेनिंग चीज को सोल्ड आउट करोगे तो आपको ओवरऑल 13% का प्रॉफिट होगा। बहुत सिंपल सी चीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
A man purchased number of articles at rupees 1,89,000. अब देखो एक्चुअली मनी की रिक्वायरमेंट तब हमें पड़ेगी जब वापस आंसर मनी में पूछा जाए, नहीं तो 1,89,000 का कोई यूज नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन देखो ना, हमको दिया हुआ था 5,400, हमें पूछा था एट वॉट प्रॉफिट परसेंट, नॉट एट वॉट प्रॉफिट, ठीक है। तो मुझे कहीं रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं। यहां पर भी एट वॉट लॉस परसेंट पूछा है, डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 4% ओवरऑल, तो लॉस पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में आने का मतलब वो एक्चुअली किसको शो कर रहा है, लॉस को शो कर रहा है। तो यहां से आपको ये वाला क्वेश्चन खुद करना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आप खुद करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर लिख करके, क्वेश्चन नंबर 44 आंसर ये है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A manufacturer estimates that an inspection 12% of the articles he produces will be rejected. जो निर्माता कंपनी है उसको खुद को पता है कि जितने मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं आर्टिकल्स या वॉट एवर जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से 12% आइटम्स जो है वो क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे आगे से, राइट। अब उसने क्या कहा, ही एक्सेप्ट एन ऑर्डर टू सप्लाई 22,000 आर्टिकल्स एट रुपीज 7.50 ईच। उसने 22,000 वस्तुओं का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और उसने कहा कि हर वस्तु को मैं 7.5 रुपए में आपको दूंगा। कितने में दूंगा, 7.50 रुपीस लूंगा। अब उसने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 7.50 में, दे भी रहा है, और उसने एस्टिमेट लगाया तो उसका प्रॉफिट जो आया वो 20% का आया। मतलब ओवरऑल कुछ वस्तुएं रिजेक्ट भी हो गई, रिजेक्ट होने का मतलब उसका पेमेंट आपको नहीं मिलता, बहुत सिंपल सी चीज ये है। तो रिजेक्ट भी हो गई, रिमेनिंग का आपको पेमेंट मिल गया, और ओवरऑल आपने कॉस्ट प्राइस से मैच किया तो आपको 20% प्रॉफिट भी मिल गया। मुझे कह रहा है हर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बताओ, कितनी कॉस्ट प्राइस रही होगी। चलिए देखते हैं अब कॉस्ट प्राइस। देखो आपके यहां पर क्या हुआ होगा, एक लॉस हो रहा है एक प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कैसे, जब आइटम रिजेक्ट होता है तो लॉस की कैटेगरी में आता है। आपके क्या है, 12% ये रिजेक्शन हुआ है, 12% का मतलब होता है 3/25, मतलब ये एक लॉस हो गया। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, जितने भी प्रॉफिट लॉस होते हैं सीक्वेंस में लिख लो, सबसे नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद में हमेशा डेटा क्या आता है, ओवरऑल का डेटा आता है। तो अब आप बताओ ये 20% जो प्रॉफिट है वो तो ओवरऑल है, 20% ये थोड़ा ना बता रहा है आपने कितने में खरीदा कितने में बेचा, वो लाइन तो यहां पर आएगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो डेटा आएगा वो क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट। तो अपन को ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है ना 20% का हो रहा है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बच्चे फटाफट में यहां 5 लिख देते हैं कि सर यहां 5 होगा तभी तो 25 आया। अरे यहां 25 है, नीचे 5 है, इसका मतलब यहां 1/5 लिखो, जब मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा। 22 से 6 नहीं आ पा रहा तो 6/22 लिख दो, देखो मल्टीप्लाई करने पर इजीली 6 आ गया। इस लाइन को हल्का सा बाहर की तरफ लिख दो, यहां पर ये है कुछ नहीं, रेशियो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से 30 रुपीज, और अगर थोड़ा सिंपल करूं तो 11 से 15 रुपीज आ चुका है। मतलब मैं 11 रुपए की चीज 15 रुपए में बेचता हूं, और तब ऐसी स्थिति बनती है कि मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 20% का हो जाता है, पर मैं 11 रुपए की चीज को 15 रुपए में बेच रहा हूं। मेरी बात समझिएगा, मेरी चीज 15 की नहीं है, 7.5 की है, हाफ, तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ, और ये हो जाएगा 5.5, मतलब मेरी जो कॉस्ट प्राइस है पर आर्टिकल 5.5 है, टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं है, टोटल के लिए तो आपको 22,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर उसने क्लियर कहा है एक वस्तु का खरे मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बतानी है मैन्युफैक्चरिंग की ईच आर्टिकल 5.5 रुपीज। आई होप क्लियर हुआ होगा और मेथड भी अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, वीडियो लाइक करना ही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अ शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस की, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ कभी दिक्कत आनी चाहिए। देखो डिस्काउंट एकदम क्लियर है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में होगा, क्योंकि एकदम क्लियर है शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है, राइट, ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब सीपी और एसपी के बीच का डेटा आ गया। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं मानता, अब देखो क्या लिखना है, सिंपल सा डेटा,
25% डिस्काउंट, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 रुपए की मार्क प्राइस होगी तो 3 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब आगे बोला हुआ है 30% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट 30% का हो गया मतलब 30% इक्वल टू 3/10, सीपी अगर आपका 10 होगा तो सेलिंग प्राइस 13 रुपीज होगी। ये दोनों कहाँ बराबर होते हैं, 39 पे बराबर होते हैं, 13 times then it is 52, it is 3 times then it is 30। अब देखो क्या बोला हुआ है कि अगर उसका लाभ 90 रुपए है तो बट्टा ज्ञात करना है, मतलब प्रॉफिट अगर 90 रुपीज है तो डिस्काउंट कितना होगा। अब देखो यहां लिख दो एक बार, नहीं तो ज्यादा नीचे हो जाएगा, सीपी एमपी एंड एसपी, आपका प्रॉफिट 9 रुपीज का है और डिस्काउंट देखो 12 में से 9 गए, 3, 4 में से 3 गया, 1, 13 रुपए का आपका डिस्काउंट है, राइट 13 रुपए का आपका क्या है डिस्काउंट है। अब आप समझो 9 रुपीज का नहीं, मेरा प्रॉफिट 90 रुपीज का है, 10 times, इसका मतलब मेरा डिस्काउंट जो है 130 रुपीज का है, मतलब अगर आपका प्रॉफिट 90 रुपीज का है तो डिस्काउंट 130 का होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है ये निकालना, यहां से आपको सीपी दे रखा होगा तो एमपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, मतलब आपके पास देखो डेटा कौन कौन सा, सीपी एमपी एसपी प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, मतलब ये डेटास आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक डेटा अगर रियल दिया हुआ होगा तो बाकी सारे डेटास को मैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा 47। बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स अबव एसपी सो आई गिविंग 20% डिस्काउंट मे गेन 10%। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप ही को करना चाहिए, मैं करा देता हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन आप क्या करें पहले वीडियो को कर लें पॉज, फिर इसका आप आंसर निकालें, फिर मेरा सॉल्यूशन एक बार देख लें कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो आप करिएगा पॉज, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, पॉज करना थोड़ा जरूरी है ना, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सीपी इज सो एज बाय गिविंग 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 5 to 4 एंड 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 10 to 11, यही है, 4 और 11 44 पे इक्वल होते हैं, ये 11 times देन इट इज 55, इट इज 4 देन इट इज 40। तो आपने कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा के लिखा है, 40 को 55 लिखा है, मतलब 15 इंक्रीज किया है, 15 इंक्रीज ऑन 40 इंटू 100, 10 से 10 गया, ये 2 और ये 5, 75/2 इट इज 37.5%, नहीं तो 3/8 आता वो भी 37.5% ही होता है, जैसा भी आप जाना चाहें वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन एज इट इज सेम है, इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए सॉल्व, इस क्वेश्चन को फिर बता रहा हूँ सॉल्व आपको करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके आप उसका सामने आंसर लिखेंगे। मैं बहुत बार देख रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने लास्ट में बोला भी है, एक्चुअली आप देखिएगा कमेंट में बहुत अच्छे अच्छे लोगों का कमेंट है, सपोर्ट बहुत है बच्चों का, मतलब लगातार लोग वीडियो देख रहे हैं, फ़ायदा उससे मिल रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली चाहता हूं कि आपका फ़ायदा प्रॉपर हो। कहने का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं सिर्फ इस चीज़ को देख लेंगे कि सर 48 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, सर वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कर लेंगे, नहीं आज करिए, अभी करिए, वीडियो को पॉज करके करिए, बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि इतना बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को भी आपको करना चाहिए, सेम टाइप है, इस बार आपको सीपी दिया हुआ है और मार्क प्राइस पूछा है, क्वेश्चन नंबर 49 लिख करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, कमेंट करना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, थैंक यू।